हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज की इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ, जो कि ये रहा। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूँ, मैंने जो है इंस्टाग्राम पे देखिएगा, मैंने एक मतलब कि स्टोरी डाला हुआ था और मैंने फिर लाइव भी इंस्टाग्राम पे किया था संडे को, तो उसमें मैंने दिखाया था एक फ़ोन, जो कि मैंने बताया था कि ये कौन सा फ़ोन है। मैंने बोला था आप लोगों की गेस करो, तो आप लोगों ने बहुत सारा लिखा था, कोई गैलेक्सी S8, कोई S8 प्लस, कोई S9, तो ये रहा वो फ़ोन। और गाइज, ये बता दूँ, ये फ़ोन मैंने जो है परचेज़ नहीं किया है, ये फ़ोन है बहुत महंगा और मुझे मिला है गिफ्ट में। तो किसने दिया है, कौन दिया है और क्या प्राइस है इसका और कौन सा सेट है, चलिए मैं बता देता हूँ। गाइज, ये है S8 प्लस, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, ये रहा, ये है S8 प्लस, जो कि फिंगरप्रिंट आपको पीछे नज़र आएगा। और ये रहा इसका डिस्प्ले, जो कि इसका डिस्प्ले सबसे हाइलाइटेड है, मतलब कि इसमें जो है आपको मिलता है कर्व डिस्प्ले दोनों तरफ से। तो गाइज, ये फ़ोन मुझे मिला है गिफ्ट में। जी हाँ दोस्तों, ये किसने गिफ्ट किया है, सबसे पहले मैं थोड़ा फ़ैन चालू कर लेता हूँ, मैंने सोचा नॉइज़ आएगी इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ रखा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। AC अभी तक मैंने लगवाया नहीं है, शायद सोच रहा हूँ AC लगाऊँ और AC लगाने से वहाँ पर लगाऊँगा। तो गाइज़, ये फ़ोन मुझे मिला है गिफ्ट में और ये गिफ्ट किया है मुझे अमन भाई ने, जो कि मॉडलिंग कॉप्स के मैनेजर है। और मैं पता हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं गया था इसमें फैन फेस्ट में गया हुआ था दिल्ली, तो दिल्ली जब गया था तो उनके घर पे ही मैं 2-3 दिन रुका था, तो उन्होंने खुशी से ये फ़ोन मुझे गिफ्ट कर दिया। और ये 6 से 7 महीने उन्होंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन फ़ोन एकदम से न्यू है, क्योंकि वो कवर पर हमेशा यूज़ करते थे, लेकिन मैं इसमें कवर नहीं लगाया हूँ। इसमें मैंने एक कवर ख़रीदा था, ठीक है, लेकिन परचेज किया था, बट मुझे कवर में ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। ये देख सकते, लेदर वाला एक कवर है जो कि अच्छा है कवर, बट मैं कवर इसमें यूज नहीं कर रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तो गाइज, ये था फ़ोन जो कि मुझे गिफ्ट मिला है। और जब से ये फ़ोन आया है बहुत ही मज़ा आता है चलाने में, इसका जो है डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है। और अमन भाई को इस वीडियो के माध्यम से मैं थैंक यू करना चाहूँगा, उन्होंने ये फ़ोन मुझे गिफ्ट कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया, उन्होंने कुछ अच्छा लगा होना होगा उन्हें, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मनोज भाई, आप ये फ़ोन अगर आपको पसंद आ रहा तो ले लो, मुझे पसंद आ गया था एक्चुअली उनका वो फ़ोन। तो गाइज, अब जो है मैं यहाँ से कुछ आप लोगों को थोड़ा सा अपने रूम का भी टूर करवा दूँ। तो अभी आप देख सकते हो, आप लोग एक क्वेश्चन हमेशा करते थे कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट भेजती है, यहाँ पर बहुत सारा देखिए अभी बिखरा पड़ा है मेरा सेटअप पूरा, डेस्क साफ करना होगा। तो गाइज, ये बूफर का मैंने जैसे कि अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखाया था, ये वाला होम थिएटर का जेब्रॉनिक्स वाला। तो गाइज, आप लोग क्वेश्चन करते हो कि अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी आप लोग हम लोग को भेजती है तो क्या वो रिटर्न ले लेती है, तो इसका आंसर रहेगा नहीं जी। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी भेजती है, ठीक है, तो उसको वो लोग जो है रिटर्न नहीं लेते हैं, वो लोग हम लोगों को दे देते हैं। अब अगर कोई किसी का चैनल अगर रिव्यू अनबॉक्सिंग पे रिलेटेड है, मतलब कि ज़्यादातर रिव्यू अनबॉक्सिंग करते हैं, तो वो लोग जो है क्या करते हैं कि उनको पैसा भी मिलता है प्लस प्रोडक्ट्स भी मिलता है। बट मैं ज़्यादा अनबॉक्सिंग रिव्यू करता नहीं हूँ, इसके कारण से मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके बजाय फिर और पैसा नहीं मिलता। तो ये जो है होम थिएटर मेरे घर पे ही अभी रखा हुआ है और इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय लेता हूँ, कभी कभी जब फ्री रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है, तो सुन लेता हूँ सॉन्ग, बहुत मज़ा आता है। और गाइज, मैं इस वीडियो से जो है SRB ब्लॉग्स और SM रॉक्स, ये जो दोनों ब्लॉगर है, तो इन दोनों को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि मेरा ये दिल्ली में जो है मेरे जान पहचान का वहाँ कोई नहीं है, ना कि कोई रिलेटिव का घर कि मैं जाकर वहाँ रुक सकता हूँ या फिर रह सकता हूँ। तो गाइज, यहाँ से मैं जब गया था फैन फेस्ट में, तो मैं वहाँ पर लगभग 3 दिन रहा, ठीक है, 11 को गया, 12, 13, 14, 3 दिन वहाँ पर रहा था, 15 को मैं रिटर्न आया। तो 3 दिन जो मैं दिल्ली में रहा, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कहीं अनजान शहर में हूँ और मेरा वहाँ कोई जान पहचान नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि देखिए, अमन भाई के घर में तो मैं जो हूँ रह गया, रात में वहाँ रह जाता था और सुबह जैसे होता था फिर घूमने निकल जाता था। और घूमने के टाइम फिर अमन भाई क्या करते थे कि मुझे छोड़ देते थे SRB के साथ और SM रॉक्स के साथ, वो दोनों भाई के साथ मैं घूमता था दिल्ली में। तो मुझे एकदम से मतलब समझ ही नहीं आता था कि मैं कोई अनजान शहर में हूँ और मेरा यहाँ कोई जान पहचान नहीं है। तो SRB बहुत ही, ये दोनों बंदे जो हैं बहुत अच्छा लगा मुझे, और इनके साथ जो है फ्रेंडशिप मेरा SRB के साथ पहले ही हो चुका था, जो कि मैं एक बार फर्स्ट टाइम भी जब दिल्ली गया था उसी टाइम, तो लड़का बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, इसीलिए मैं वहीं लोगों के साथ घूमता था। और इतना ज़्यादा क्लोज हो गया हूँ कि अब मैं दिल्ली अगर जाऊँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और दिल्ली भी एक्सप्लोर करवाते हैं, मुझे घुमाया भी। और SM रॉक्स बोल भी रहा था कि चलो और बहुत सारा ब्लॉग्स बना लेना, वो बोल रहा था यहाँ चलो BBW नहीं, या फिर क्या कहते हैं ना, शोरूम होता है एक, तो वहाँ भी वो लोग बोल रहे थे कि चलो मैं लेके चलता हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अब नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली जाऊँगा तो फिर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। तो SM रॉक्स और SRB ब्लॉग्स, इन दोनों का जो है चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेक कर लेना। और अमन भाई का जो है इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अमन भाई को फॉलो कर लेना, वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर कुछ भी
पूछना हो मेरे बारे में या कुछ भी, तो जाकर फॉलो कर सकते हो, और SRB और SMROX का दोनों का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। तो गाइस आज की ये वीडियो को जो है यहीं पे मैं एंड करता हूँ। एक छोटी सी वीडियो थी, बस आप लोगों से थोड़ी सी दिल की बातें जो है शेयर करनी थी, और एक अच्छा खुशखबरी भी था कि मुझे फ़ोन गिफ्ट में मिला, तो मैं सोचा कि अपने ऑडियंस के साथ इसे शेयर किया जाए और अपनी खुशी को बयां किया जाए। और वो दिल्ली वाले जो जितने भी सिचुएशन हुआ, जो भी अच्छा कुछ हुआ, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताया। और दिल्ली में मेरा एक और चीज़ हुआ था कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे 5 टिकटॉक स्टार्स आए थे, जो कि अमन भाई का शूट था, तो वहाँ पे मैंने 1-2 टिकटॉक स्टार का इंटरव्यू भी लिया है, और वहाँ पे बहुत कुछ सीख करके आया हूँ कि टिकटॉक से पैसे कैसे कमाते हैं। वो जो टिकटॉक स्टार से ही इंटरव्यू में मैंने पूछा उनसे डिटेल में कि पैसे कैसे कमाते हैं, तो बहुत सारा मुझे नॉलेज मिला है। तो वीडियोज़ आएगी मेन चैनल पर जल्दी जल्दी, कि एक वीडियो तो जरूर आएगी टिकटॉक से पैसा कमाने का क्या क्या तरीका होता है, और बहुत ऐसे तरीके हैं जो आप लोगों को नहीं पता। तो मेन चैनल पर वीडियो जरूर आएगी, तो मेन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा कर लेना मनोज दे, अगर आपको नहीं पता हो तो, अगर आप अननोन हो इस चैनल पर तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे मेन चैनल का, तो जाकर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सका तो शेयर कर लेना अपने अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। We'll be right back.